तो नमस्कार दोस्तों, चलिए चक्रवृद्धि ब्याज से एक और उपयोगी वीडियो। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों इससे पहले अगर आपने वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा या फिर इस वीडियो के आई बटन के जरिए भी दोस्तों आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल तक दोस्तों पहुँच सकते हैं। साथ ही आप हमें सोशल साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, टिकटॉक, इन सभी पर भी दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मौजूद करा रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो यह कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। जब आपसे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो आपको करना कैसे भाई, देखिए एक तरफ दोस्तों आपको लिखना है, एक तरफ आपको लिखना है वर्ष, दूसरी तरफ आपको लिखना है गुना। देखिए कोई धन था वो 15 वर्ष में कितना हुआ था, 15 वर्ष में दो गुना हुआ तो यह कितने वर्ष में पूछा है कि 8 गुना हो जाएगा, इसकी बात पूछी है। आपको दोस्तों करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में जो यहां पर संख्या दे रखी हो नीचे वाली संख्या को उसी के फॉर्म में तोड़ना है। जैसे यहां पर क्या है 2, तो इस 8 को भी आपको 2 के फॉर्म में तोड़ना है। 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4 4 दूना 8। अब ये 2 का कितनी बार प्रयोग हुआ, 1 2 3, तो बस आपको करना क्या है जितनी बार 2 का प्रयोग हुआ है या फिर जितनी बार उस संख्या का प्रयोग हो उसकी आप यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो गया, 15 3 45, तो याद रखिएगा 45 वर्ष इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें कुछ इस टाइप से आता है, जैसे कि 12,000 रुपए की कोई राशि है ये 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में, यानी सॉरी 20 वर्ष ऊपर दे रखा है तो यह 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी या 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी। कोई धनराशि है, ठीक है, 12,000 की 5 वर्षों में कितनी होगी, दोगुनी, तो वह कितने, यानी वह 20 वर्षों में, यानी वह 20 वर्षों में कितना हो जाएगी, ये पूछा है। देखिए कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको करना किस टाइप से, यहां पर आपको लिखना है एक तरफ दोस्तों वर्ष, दूसरी तरफ लिखना है आपको गुना, ठीक है भाई। 5 वर्षों में कितनी हुई थी, दो गुनी, तो पूछा है कि 20 वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, आप ये देखिए 5 का कितना गुना है ये 20, 4 गुना, तो इस 2 की पावर आपको 4 बना देना है। 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, ठीक है, यानी 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, 2 की पावर होगी 4। अब आप देखिए भाई कितना हो गया, ये 16 हो गया। अब जो भी आपका यहां से मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा बस दिए हुए मूलधन को दोस्तों उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 0 0 और 16 1 16 और 3 19, यानी कि ये हो गया आपका 1,92,000 रुपए, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है। 12,000 रुपए की राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो यह 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो 20 वर्षों में 1,92,000 रुपए हो जाएगी। दोस्तों यहां पर आप देखिए 5 का कितना गुना हुआ, 4 गुना, जितना गुना हुआ है दी हुई संख्या की, यहां पर जो संख्या दे रखी है बस उसकी उतनी ही पावर चढ़ा लेनी है और पावर चढ़ाने के बाद में मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद में सीधा सीधा क्या करना है, दिए हुए मूलधन को दोस्तों उससे मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए सवाल नंबर 3 और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों सवाल नंबर 3 है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4,818 रुपए तथा 6 वर्ष में 7,727 रुपए हो जाती है तो वह धन कितना है। देखिए कभी आपसे दोस्तों इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कैसे करना है, कोई धनराशि है साधारण सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में तो हो गई वो 4,800 कितना, 48 रुपया, और मतलब 6 वर्षों में हो गई 7,727 रुपया, तो आखिर वो धनराशि है कितनी। तो देखिए मैं आपको इसे निकालने की एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक है आपकी, याद रखिएगा जो आपको यहां पर पहले वाला दिया गया है, पहले वाला कौन सा 4,848, आपको क्या करना है इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, 4,848 ठीक है। तो एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4,818 रुपए हो रही है, 6 वर्ष में 7,727 हो रही है, तो वह धन पूछा है।
तो भाई आपको करना क्या है, धन निकालना है। तो दिए हुए छोटा जो मूलधन दे रखा है इसका आप दो बार कीजिए गुना, और बड़े वाले से दोस्तों आपको क्या कर देना है, बड़े वाले से केवल आपको इससे भाग कर देना है। और जब भाग करने के बाद में जो भी आएगा काट पीटा करके वो उत्तर आएगा। तीन से काट लीजिए, तीन से 16 बार, जीरो और ये कट जाएगा 3 6 18 यानी कि 1606, और ये कटेगा 3 से 3 2 6 और 3 4 12 है और 3 9 27 यानी कि 2409 बार। फिर 3 से इसे काटिए, फिर 3 से 1606 बार कटेगा, फिर ये कट जाएगा 3 से 803 बार। ठीक है, 803 दुना कितने हो गए, 1606, और 1602 में दोस्तों जब आप 1606 में जब आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3212 है। जो भी आया है आपका बिल्कुल राइट आंसर आया, 3212 रुपया। सभी लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके भी कंफर्म कराइएगा कि इतना ही इसका आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 4। अगला सवाल है दोस्तों, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2400 रुपए तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, तो ब्याज की दर बतानी है आपको, भाई ब्याज की दर कितनी है। तो दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आप ये देखिए कि दोनों मूलधनों में अंतर कितना है, 2400 और ये 2520 रुपया, कितना बढ़ा, कहने का मतलब 120 रुपया बढ़ गया। जो अंतर है वो आपको ऊपर रखना है, नीचे आपको क्या रखना है, छोटा मूलधन यानी कि 2400 दर निकालने के लिए, और आपको भाग कर देना, परसेंटेज में निकालना 100 से, ठीक, सॉरी गुना कर देनी है 100 से, 0 से 0 कट जाएंगी। ठीक है, 12 धाम कितने हो गए, 20 यानी कि 10 बार, और 12 दूना 24, 2 से काटेंगे ये 5 बार, यानी कि वो दर क्या है, 5%। तो दर निकालने का भाई ऐसा तरीका, दर आपको ऐसे तरीके से निकालनी है। ठीक है, जो तरीका आपको बता रहा हूं इससे अच्छा तरीका आपको YouTube पर दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा, अप्लाई करके देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 5 है, 5000 रुपए पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 3 वर्षों का दोस्तों अनुपात मैंने आपको लिखाया था, 2 वर्ष का लिखाया था सबसे पहले, 2:1, और 3 वर्ष को जो अनुपात था दोस्तों, अनुपात निकालना नहीं आ रहा है तो कई वीडियो में बता चुका हूं अब तक, ये हो जाएगा दोस्तों 2:1 था, ये 2:3 नहीं, तो 3:3:1, ये 3 वर्षों का हो गया। अब आप 5000 रुपए का 3 बार निकाल दीजिए 10% पर, 10 बटे कितना हो गया 100, 0 से 0 कटेंगी, ये आ गया दोस्तों 500 रुपए, पहले 500 फिर 500 का 10% निकालिए, ये 0 कट जाएंगी, ये आ गया 50 रुपया। अब इस 50 का भी 10% आप निकालिए, कितना आएगा, 5 रुपया। अब आप करना क्या है, ये जो 500 आया है ये इस वाले 3 के नीचे लिखना है, ये जो 50 आया है ये बीच वाले 3 के नीचे, और ये जो 1 के नीचे आपको क्या लिखना है, 5, और क्रॉस करनी है मल्टीप्लाई ब्याज निकालने के लिए। 5 कितने हो गए, 1500 तो ये हो गए, प्लस 150 ये हो गए, प्लस 5 ये हो गए, ये कितने हो गए 1500 और ये 150, 1650 यानी कि 1655 रुपया दोस्तों क्या हो जाएगा, 1655 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष और 6 वर्ष ये सभी ब्याज निकालने के दोस्तों तरीके आप सभी को मैं दे चुका हूं। ठीक है, आगे भी और अच्छे अच्छे तरीके इस वीडियो के जरिए, इस यूट्यूब चैनल के जरिए दोस्तों आप सभी को उपलब्ध कराए जाते रहेंगे। फिलहाल वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आपके फीडबैक का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। अब तक सुन रहे थे विनोद शर्मा को पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, थैंक्स।